गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो है मेरी आप सभी के लिए और मेरे लिए भी। तो आज की वीडियो है मेरी कि हमारा जो पेट की एक्स्ट्रा चर्बी है वो लटक जाती है अक्सर, हम ध्यान नहीं दे पाते, हम टाइम पे डिनर नहीं कर पाते, उसकी वजह से हमारे फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है ठीक से और वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने पेट को कम करने के लिए अपनी डाइट पे ध्यान देना होगा। डाइट में हमको ऑयली फूड नहीं खाना है, कोई भी हैवी खाना नहीं खाना है रात में, और अपने आप को कंट्रोल करना है, जंक फूड से बिल्कुल बचना है, एकदम अवॉइड करना है, ये चीजें पेट को फुलाती है। तो गाइस, हमको जो डिनर करना है वो रात में 9 बजे से पहले पहले करना है, ताकि हम 10:30-11 बजे सोते हैं तो 2 घंटे सोने से पहले हमारा डिनर बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, ताकि वो फैट में कन्वर्ट ना हो जो खाना हम खाते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है मेरी जो होगी वो बहुत ही इजी होगी, हम घर पे आराम से कर सकते हैं। मैं 2 एक्सरसाइज बताऊंगी अभी, तो इन दोनों एक्सरसाइज को हम डेली दिन में 2 बार कर सकते हैं और एक एक्सरसाइज को हमें 20-30 टाइम्स करना है रिपीट। तो गाइस, ये एक्सरसाइज हमारे जीवन में बहुत मतलब छोटी छोटी एक्सरसाइज है जो हम बाहर पैसा खर्च करते हैं जिम वगैरह में, वो ना करके हम अपने घर पे कर सकते हैं, सिर्फ अपनी डाइट पे कंट्रोल करके एंड अपने आप को इस तरह से एक्सरसाइज में कन्वर्ट करके। तो अभी मैंने लिया है ये पिलो कवर और ये छोटा सा कुशन लिया है। इस कुशन की हेल्प से, छोटी सी गद्दी है, बहुत ही पतली सी है, इसकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कि हम वेट कैसे कम कर सकते हैं। आपके घर में कोई भी ऐसा छोटा तकिया हो, कोई भी पतली सी गद्दी हो, तो इसको हमें लगाना है अपनी कमर के नीचे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होती है मेरी ये। तो इस तरह से हमें रख लेनी है। तो गाइस, ये तकिया हमने इस तरह से रख लिया और अपने पैरों को हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें इस तरह से अपने पैर को ऊपर ले, यहाँ ऐसे रख लेना है, फिर इनको ऊपर लेके आना है ऐसे, 1 1, फिर यहाँ पे ऐसे टच करना है, 2 3 4, यहाँ पे हमें रोकना है, सांस भी लेना है, गिरा ऊपर को खींचे हमें सांस भी लेना है, 1 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहाँ पर आप रोक रहे हो तो पूरा प्रेशर आपका लोअर बैली पे पड़ रहा है, और यहाँ से धीरे धीरे जब हम ये कंटिन्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे कितना जो बैली का है फैट वो धीरे धीरे कटने लग जाता है। सिर्फ 2 से 3 मिनट में आपकी एक्सरसाइज डन हो जाती है। 17 18 19 20। तो ये 20 टाइम मैंने कंप्लीट कर लिया। तो ये वैली का अपना लोअर वैली का जो फैट है वो जो पेट की चर्बी है एक्स्ट्रा धीरे धीरे हमें मेल्ट होने लग जाती है, 2 से 3 मिनट में ये वाली एक्सरसाइज डन हो जाती है। तो अब हम अपनी कमर के नीचे से ये गद्दी निकाल लेंगे, और ये गद्दी हमने निकाल ली। गाइस, ये हो गई मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज जो बहुत ही आसान तरीके से हम घर पे कर सकते हैं, डेली 2 से 3 टाइम हम इजीली कर सकते हैं, और एक टाइम में हम इस एक्सरसाइज को 20 टाइम्स करेंगे। तो गाइस, ये एक्सरसाइज हमारी लोअर बैली का फैट, आसपास की ये चर्बी और ये चर्बी, इस सबको मेल्ट करती है, हमारी जो धीरे धीरे मोटापा एक्स्ट्रा बढ़ चुका है उसको खत्म कर देती है। हमें ज्यादा ऑयली नहीं खाना है, टाइम से डिनर करना है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, और सुबह मॉर्निंग में उठ के 2 से 3 ग्लास गर्म पानी पिए तो ज्यादा अच्छा है। अब सेकंड एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ। सेकंड एक्सरसाइज हमारी बहुत इजी है, उसको तो मैं डेली मतलब कितनी बार भी कर सकती हूँ, लेकिन वो जो अपनी लोअर वैली का फैट और यहाँ का जो एक्स्ट्रा फैट निकल जाता है वो कम हो जाता है। ये वाला हाथ हमें ऊपर लेके जाना है इस तरह से, और 1
इस तरह से यहाँ रुक लेना, वन टू थ्री। सांस को खींचते हुए फिर छोड़ना, फोर फाइव सिक्स। वाली लेग से हमने 10 टाइम्स इसको कर लिया, अब दूसरी वाली लेग से भी हमको इसको 10 टाइम्स करना है। लंबी सांस लेंगे और जब पैर को छोड़ेंगे तो सांस हम छोड़ देंगे इस तरह से, हमने ऊपर रख लिया है इस तरह से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो ये हो गई एक्सरसाइज अपनी। तो गाइज ये हो गई मेरी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट, और इससे हम अपनी जो बेली का फैट है, जो अपने पेट की चर्बी है, उसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा पेट बिल्कुल अंदर चला जाएगा तो हमारे पास फर्स्ट जो ड्रेस पहनेंगे हम वो कितनी अच्छी लगेगी, हमारी पर्सनैलिटी मैटर करती है, तो हम कितने सुंदर दिखाई देंगे। फर्स्ट होती है पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी आपकी अच्छी है तो आप खुश हैं, क्योंकि आपके ऊपर हर चीज हर कपड़ा अच्छा लगता है। कहीं भी पार्टी में जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, आप अच्छा फील करेंगे। तो हमारी सेकंड एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट, अब करती हूँ मैं थर्ड एक्सरसाइज। तो थर्ड एक्सरसाइज जो है वो पेट को भी कम करेगी, आपके साइटी का पेन को भी कम करेगी। तो हम करते हैं स्टार्ट। तो इस तरह से हमें लेट जाना है और अपना ये वाला पोर्शन थोड़ा, तो इस तरह से हमें लेट जाना और अपना ये वाला पोर्शन ऊपर को उठाना है। तो इससे हमारे साइटी का जो पेन है वो सीधे लिए होती है, और बेली को फैट को कम करने के लिए भी होती है एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं हम, वन हो अपनी सांस को भी खींचना है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। तो गाइस ये हो चुके 20 टाइम कंप्लीट। तो गाइस ये एक्सरसाइज भी मैंने 20 टाइम कंप्लीट की है। इन तीनों एक्सरसाइज की हेल्प से हम अपने जो मोटे पेट की जो चर्बी है, जो यहाँ जो पेट लटक जाता है, वो सब हम रिड्यूस कर सकते हैं बहुत जल्दी। हमारी 5 मिनट की सारी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है ओनली 5 मिनट की। हम 5 मिनट अपने आप को दे सकते हैं डेली, 2 टाइम दे सकते हैं। मॉर्निंग में आप खाली पेट करेंगे तो बहुत अच्छा है अगर, लेकिन 12-1 बजे के आसपास भी आपको टाइम मिलता है तो आप कर सकते हैं। और इवनिंग में हम 5-6 बजे इनको फिर रिपीट कर सकते हैं। एक टाइम हो तो एक टाइम, 2 टाइम हो पॉसिबल तो 2 टाइम कर सकते हैं। ज्यादातर 2 टाइम में जिनके ज्यादा पेट है और ज्यादा हैवी बॉडी हो चुकी है, यहाँ से पेट लटक चुका है, तो वो 2 टाइम कर सकते हैं और बहुत ही रिलैक्स होकर कर सकते हैं। जिनको साइटी का पेन है उसमें भी रिलीफ देगी, जिनका पेट भारी हो चुका है, यहाँ से पेट लटक चुका है, उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिट है। तो गाइस ये छोटी छोटी एक्सरसाइज हम घर पे कर सकते हैं बिना पैसे किसी को दिए हुए, हमारे घर पे अपने पैसे हम बचा सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो गाइस आज की मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे
कमेंट करते रहिएगा और मुझे बताइएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके सपोर्ट से बहुत ज्यादा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा, और मेरे नए नए नोटिफिकेशन आने के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, इससे आपको नए नए नोटिफिकेशन आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।